हमारे साथ केपी चौधरी साहब भी हैं। केपी चौधरी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेके, उनके हजारों ऑर्गेनाइजेशन हैं, सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे मंच हैं जिन पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फ़ोटो प्रतीक चिन्ह होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो बाबा साहब के सपने को पूरा कर रहे होते हैं या अपने सपने को पूरा कर रहे होते हैं, वो बताएं। देखिए, ये सवाल बहुत ही, आपने जो सुरेंद्र सिंह जी बड़ा सवाल, जो टेढ़ा सवाल पूछा है जी। और मेरा जवाब जो है उसमें बहुत सारे लोगों को उसमें कहीं ना कहीं वो आहत हो सकते हैं जी। और मैं ये अपील करूंगा कि जो भी लोग बाबा साहब के मिशन में काम कर रहे हैं और बाबा साहब का फ़ोटो, भगवान बुद्ध का फ़ोटो अपने वो बैनर पर अपने संगठनों के साथ लेकर के चल रहे हैं, वो उनको ज़रूर पढ़ें जी। पढ़ करके उनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन में उनको उतारने का काम करें, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ऐसा है कि ये सब चीज़ें तो हो रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जो व्यक्तिगत जो अपनी सिद्धि है आदमी, उसके प्रति ज़्यादा गंभीर दिखाई देता है। कॉमन कॉज एक चीज़ है और एक पर्सनल कॉज दूसरी चीज़ है। ज़्यादातर लोगों को देखा जा रहा है कि वो बाबा साहब के नाम, भगवान बुद्ध के नाम पर पर्सनल कॉज को तरजीह देते हैं और कॉमन कॉज में वो मामला बहुत पीछे रह जाता है। तो मेरी ये अपील रहेगी समाज के सभी प्रबुद्ध साथियों से कि वो सब अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट आम आदमी से हट करके वो एक बैनर बनाते हैं, वो एक संगठन बनाते हैं, तो आम आदमी से हटकर वो आगे आए और हट करके जब फिर वो बाबा साहब के मिशन को लेकर के चलते हैं तो निश्चित रूप से उनकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन अगर बाबा साहब को पढ़ लिया जाए, भगवान बुद्ध को समझ लिया जाए, तो मुझे लगता है कि हम इस मिशन को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और आप, मैं एक बार पुनः अपील करूँगा कि व्यक्तिगत सिद्धि जब आपके सिर पर जोर मारे, जब आपको लगे कि मेरी व्यक्तिगत सिद्धि होनी चाहिए, अगर थोड़ा सा आप उसे पीछे कर लें और कॉमन कॉज को अगर आप आगे कर दें तो कॉमन कॉज में आपकी जो व्यक्तिगत सिद्धि वो भी हो जाएगी और कॉमन कॉज भी सफल हो जाएगा। लेकिन गलती कहाँ हो रही है कि हम व्यक्तिगत सिद्धि में, अपनी पर्सनल जो हम चाहते हैं उसमें कॉमन कॉज को कहीं ना कहीं पीछे ढकेल रहे हैं और यही हमारे आंदोलन का एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा समाज के सभी प्रबुद्ध साथियों से जो मूवमेंट में काम कर रहे हैं कि आप लोग एक बार मिशन को फिर पढ़ें और बाबा साहब ने क्या कहा है, पे बैक टू द सोसाइटी सिद्धांत जो है, हम समाज को दे क्या रहे हैं, हम समाज से लेने की बात ज़्यादा कर रहे हैं, समाज को देने की बात कम कर रहे हैं। अगर हम समाज को देने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम देने लायक भी बनेंगे और मुझे लगता है समाज एक नए आयाम तक पहुँचेगा। जय भीम। आपके साथ, हमारे साथ केपी चौधरी साहब, जो बताया है कि बाबा साहब को फिर पढ़ें, उन्होंने 3-4 बार इसलिए कहा क्योंकि बाबा साहब को पढ़ेंगे नहीं तो आप उनके विचारों को समझ नहीं पाएंगे। और आज जो आप सूट पहन के घूम रहे हैं, जो बूट पहन के घूम रहे हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत ही पहन के घूम रहे हैं, तो इसलिए बाबा साहब को इस्तेमाल ना करें, उनको जन संघर्ष को समझें। ऐसे में से बात करने के लिए धन्यवाद।